अगर आप सोच रहे हैं कि वेंचर फंड्स इतना पैसा कमाते हैं या इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको भी एक वेंचर फंड खोल देना चाहिए, तो होल्ड ऑन। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपकी के फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं 4th, 14th and 24th तारीख को हर महीने की, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने ना पड़े। महीने में सिर्फ 3 वीडियोस बनेंगे आपके लिए। ये वीडियोस बनते हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। इन वीडियोस को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बनाने का एक सिंपल कारण है, मैं इंडिया से आता हूं और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं या ऐसे NRIs हैं जो भले इंडिया में ना रहते हों लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स या उनका पैसों का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ा हुआ है, और भले वो किसी भी देश में रहते हो वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सो जस्ट इन केस इफ यू वुड लाइक टू प्रेफर वॉचिंग दिस वीडियो इन इंग्लिश, यू कैन जस्ट गो टू द चैनल एंड सी द सेम वीडियो इन इंग्लिश, इट विल बी पोस्टेड ऑन द सेम डे। और अगर आपको पिछले 10 सेकंड में मैंने जो भी कहा उसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो रहने दीजिए, आप इस वीडियो को हिंदी में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा IPO के बारे में। ये ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो या ऐसे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुने होंगे, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, आज के लिए बहुत न्यूज़ में चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतना सिंपल फंडा है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अपने पैसों के बारे में। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आपको आपके स्क्रीन पे भी नज़र आता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर चाहें तो बाद में इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी IPO के बारे में दे ही दूंगा। इमेजिन कीजिए, हम हैं 1950s, 60s, 70s के ज़माने में, जब इंडिया में लाइसेंस राज चल रहा है, कंपनियों को बड़ा होने के लिए बैंक से ईजिली लोन नहीं मिल पाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना के बराबर होते हैं। ऐसे समय में अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना था, समझ लीजिए अगर वो कंपनी महाराष्ट्र में काम करती थी और उसे देश भर में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने थे जिसके लिए कैपिटल लगता है, और कैपिटल अगर इजीली अवेलेबल नहीं था, कैपिटल मतलब पैसा, अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं था, तब कंपनी का प्रमोटर या कंपनी का फाउंडर अपने कंपनी के शेयर्स, थोड़े शेयर्स 10, 15, 20, 25% शेयर्स मार्केट में लॉन्च करता था। तो एज अ प्रमोटर अगर उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना था और अगर कैपिटल रेज करना था तो वो अपने कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट पे फ्लोट करते थे, और क्योंकि इस कंपनी का कोई भी शेयर्स पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तो इस कंपनी के शेयर्स के फ्लोटिंग को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू किया जाता था। IPO के पहले कोई भी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और IPO के बाद क्योंकि उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाई जाती है। तो ये था बेसिकली एक फंडा पुराने ज़माने में IPO क्यों होते थे, किस कैसे काम करते थे उसके बारे में। आज की तारीख में भी ये फंडा वैसे ही काम करता है, लेकिन इंडस्ट्री थोड़ी सी बदल गई है। आज इमेजिन कर लीजिए कोई कंपनी जो चालू हुई थी 2000 में एक छोटे से गराज में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में या दिल्ली में, उस कंपनी ने अच्छा काम किया, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया या एक अच्छा ऐप बना लिया, और उस ऐप और प्रोडक्ट के बेसिस पे उस कंपनी में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, और आज की तारीख में 19 साल के बाद ये कंपनी का साइज और स्केल अच्छा खासा बढ़कर 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या कितनी बार 1000 करोड़ भी बन जाता है। अब इस स्केल पे आने के बाद इस कंपनी को अगर और बड़ा होना है तो वो अपने शेयर्स IPO के द्वारा शेयर मार्केट में फ्लोट करेगी। आज की तारीख में छोटी कंपनियों या स्टार्टअप को अगर पैसा मार्केट से लेना है तो वो डायरेक्टली IPO लॉन्च नहीं करते हैं, उनके पास आज की तारीख में बहुत ऑप्शन है, जैसे कि वेंचर कैपिटल हो गए, अलग अलग तरह के फंड हो गए, एंजल फंड, सीड फंड, बहुत तरह के फंड होते हैं। ये एक अलग ही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हो सकता है मैं आने वाले वीडियोस में अलग से बात करूं, लेकिन समझ लीजिए सपोज किसी वेंचर कैपिटल ने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वेंचर कैपिटल का काम करने का तरीका ही अलग होता है। वो सपोज एक कंपनी में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पर शेयर, तो उनका नज़रिया ही ये होता है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद जब इस कंपनी का पर शेयर का वैल्यू 100 रुपये से 150, 200, 250, कितनी बार 1000 भी अगर पहुंच जाएगा, तब IPO के द्वारा हम अपना शेयर मार्केट में पब्लिक को बेच लेंगे, और जो हमने 100 रुपये में शेयर खरीदा था उसे 700-800 रुपये में बेचकर हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वेंचर फंड्स इतना पैसा कमाते हैं या इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको भी एक वेंचर फंड खोल देना चाहिए, तो होल्ड ऑन। आपको 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, हर वेंचर फंड हर कंपनी में जब इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं होता है।
स्टार्टअप्स बहुत रिस्की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो कितनी बार तो आपका जो पैसा अगर आपने वेंचर फंड के हिसाब से डाला है किसी कंपनी में, तो हो सकता है वो डूब भी जाए। दूसरी बात, अगर आपको वेंचर फंड खोलना है तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, 5-10 लाख या 10-50 लाख का, समझ लीजिए बहुत सारे करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, बहुत सारे करोड़ों लग जाते हैं एक वेंचर फंड खोलने के लिए, और ये अपने आप में ही एक अलग बिजनेस है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको आईपीओ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ निकाल रही है या अपने शेयर्स फ्लोट कर रही है मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 2 या 3 कारण होने चाहिए। एक तो आप अपना अच्छा सा रिसर्च कर लीजिए कि इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस का, उस इंडस्ट्री का आने वाले 5, 10, 25, 30 सालों का स्कोप क्या है, ताकि जब आप इसमें इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टेड रहें बहुत टाइम के लिए, तो आपका कैपिटल कैसे ग्रो होगा, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अपना रिसर्च अच्छे से कर ले, क्योंकि हर आईपीओ गारंटी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा या दे सकता है। एक सिंपल चीज़ समझ लीजिए, अगर रिसर्च करने के बाद अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है आप आईपीओ के द्वारा बहुत सारा पैसा कमाएं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ट्रेडिंग का और आईपीओ के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी पेचेक टू प्रॉफिट में हम ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगा लीजिए अगर आपने 30-40 साल पहले इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस ऐसी सब कंपनियों में सिर्फ 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता, और अगर आज तक आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते, तो आपका ये 10,000 रुपया 50, 100, हजारों करोड़ का वैल्यू दे सकता था। उसी तरह अगर आप आज किसी क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हो सकता है आपको 20-30 सालों के बाद में आज का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें, आप जो पहले वर्ड्स पढ़ते थे जिसका मतलब आपको नहीं पता था, आपको वो मतलब समझ में आ सके, और आप थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च अपना बहुत मजबूत कर सके, और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छी कंपनियों में बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकें। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया है कि आईपीओ क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईपीओ के बारे में समझ में आ सके और उनको पता चले कि वो शेयर्स में अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कैसे बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सुझाव हो या कमेंट्स हो या कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।